नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से JPSC, JSSC और झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसका तैयारी कर रहे थे, और उसी क्रम में हिस्ट्री का काफ़ी वीडियो और झारखंड का जो जियोग्राफी है उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? जनजाति। तो झारखंड में जहाँ पे बताए थे यहाँ के शासन व्यवस्था, जो जनजातियों की स्थानीय शासन व्यवस्था है उसके बारे में बताए थे, तो वहाँ भी आपको बताए थे कि झारखंड में कितनी जनजातियाँ हैं, 32 हैं। तो 32 जनजातियों में से क्या 32ों के बारे में आपको क्या है थोड़ा बहुत, जो उसका जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो प्रश्न है उनको देखना होगा, उसका यहाँ पर क्या जीवन यापन है, धार्मिक जीवन कैसा है, आर्थिक जीवन कैसा है, इन सभी को देखेंगे। तो उनमें से सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसका? संथाल का। तो संथाल का शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए क्या देखेंगे? संथाल। तो संथाल में हम क्या देखेंगे? संथाल का जो जनसंख्या है, जितने भी आपका जैसे कि 32 जनजाति है, ठीक है, तो 32 जनजाति में जैसे कि सर्वाधिक जनसंख्या जो है वह संथालों की है। 32 जनजाति में कुछ बात करें, संथाल हो गया, मुंडा है, उरांव है, हो है, तो जितने भी जनजाति हैं तो उनमें से सर्वाधिक जनसंख्या जो है संथालों की है, ठीक है। और ये जो है संथालों की जो जनसंख्या है वह आपका 23 लाख है, 23 लाख के लगभग में है, ठीक है। और जो अपने जनजातियों का कितना प्रतिशत है? 35% है संपूर्ण जनजाति का। सोच सकते कि अकेला ये 35% है, और जो आपका शेष 65% बच जाता है, केवल जनजातियों की बात करें तो 65% में 31 जनजाति आपका आता है। तो इससे भी आपको स्पष्ट हो रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या जो जनजातियों में है, 3200 जनजाति में, पूरा झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं, 3200 जनजाति में सर्वाधिक जनसंख्या है तो वह आपका संथालों की है। और भाषाई दृष्टि से ये आश्रय समूह की है। आश्रित समूह का मतलब, कहने का मतलब क्या है, झारखंड में 32 जनजाति है, ठीक है, 32 जनजाति में आपका 8 आदिम भी है, हालांकि उनका चर्चा करेंगे बाद में, फिलहाल देखेंगे 32 जनजाति है। तो 32 जनजाति को भाषा के अनुसार जो है इसके दो भागों में बांटा गया है, 3200 जनजाति को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक को बांटा गया द्रविड़ ग्रुप और एक ग्रुप का नाम दिया गया आश्रित ग्रुप। और आपको ये पता होना चाहिए कि आश्रित ग्रुप को मुंडा भी कहा जाता है, मुंडा ग्रुप, ठीक है, मुंडा समूह की भाषा, स्पेशल आप मुंडा जनजाति नहीं समझ लेंगे, मुंडा समूह की भाषा। तो झारखंड में जो आदिवासी बोलते हैं, जैसे कि आपका 32 प्रकार की जनजाति है, हर किसी के भाषा में डिफरेंसेस है, हर किसी का भाषा अलग अलग है, ठीक है। तो 32 प्रकार की जनजाति में यहाँ पे जो 3200 भाषा बोलते हैं अलग अलग, तो उनके भाषा को दो ग्रुप में बांटा गया, एक द्रविड़ हो गया, एक आपका आश्रित हो गया, मुंडा हो गया। तो आपको ये बात बता दें कि केवल 3 जनजाति, ठीक है, केवल 3 जनजाति द्रविड़ समूह की भाषा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होगा कि आपको उतना डिटेल्स, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। केवल 3 जनजाति जो है वह आपका क्या बोलते हैं? द्रविड़ समूह की भाषा बोलते हैं। इसके बाद आपका जितना भी जनजाति आपका बच जाता है, जैसे 29 बच गया, तो 29 जनजाति आपका आष्टिक अर्थात मुंडा समूह की भाषा बोलते हैं, ठीक है। अब वो द्रविड़ जनजाति की, द्रविड़ समूह की जो भाषा बोलते हैं वो कौन कौन सा जनजाति है, तो आपको बताते हैं, उरांव है, क्या है, एक आपका उरांव है, जैसे भी लोग संथाल पढ़ रहे हैं, फिर मुंडा पढ़ेंगे, फिर उरांव पढ़ेंगे, तो उरांव पढ़ेंगे कुछ देर के बाद, तो अभी एक आप याद रखेंगे उरांव। उरांव जो है वह द्रविड़ समूह की भाषा बोलते हैं। उरांव के अलावा आपका एक है माल पहाड़िया, ठीक है, माल पहाड़िया, और माल पहाड़िया के अलावा एक आपका क्या है, सोरिया पहाड़िया, ठीक है, सोरिया पहाड़िया। तो ये 3 जनजाति जो है, ये 3 जनजाति जो है वो द्रविड़ समूह की भाषा बोलते हैं, और इसके अलावा जितने भी जनजाति बच जाते हैं झारखंड के, वो क्या हो जाता है आपका, आष्टिक अर्थात मुंडा समूह की भाषा बोलते हैं। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि संथाल जनजाति, सॉरी, भाषा की दृष्टि से संथाल किस समूह के ये है, तो आष्टिक समूह के हैं। तो आप उतना याद नहीं रखेंगे, सब 3200 के बारे में अलग अलग याद रखना, आप ये याद रखेंगे कि उरांव, माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया, इसका भाषा द्रविड़ समूह का है, बाकी बात जो भी जनजाति बच जाएगा उसका भाषा जो होगा वह आपका आष्टिक समूह का भाषा होगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ की जनजाति का, जो क्या कहते हैं, जो आदमी होता है उसका रचना, शरीर का जो बनावट है उसके अनुसार से, जैसे मंगोलाइड होता है, काकसाइड होता है, निग्रो होता है, ठीक है, तो प्रोटोस्टाइड होता है, ऑस्ट्राइड होता है। तो झारखंड में जितने भी जनजाति या 3200 जनजाति का जो संबंध है, ठीक है, शारीरिक बनावट के अनुसार से,
ठीक है, शारीरिक रचना जो होता है उसके अनुसार से 3200 जनजाति जो है वह प्रोटो असाइड है। तो जब भाषा की दृष्टि से बोला जाएगा तो आप ध्यान रखेंगे, और जब क्या बोलते हैं रचना या बनावट की दृष्टि से बोलेगा तो उसे ध्यान रखेंगे। तो 3200 जनजाति आप रखेंगे प्रोटो असाइड से संबंधित है। इसके बाद बात करेंगे भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली ये जनजाति है। संथाल जो है पूरा भारत में देखा जाए तो तीसरे नंबर में आती है, इतना जनसंख्या है इसका। पूरा भारत की बात करें क्योंकि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो आपका गोंड का है, जो कि मध्य प्रदेश के साइड में ज़्यादा है, झारखंड में तो है भी नहीं। तो गोंड जो है, गोंड जनजाति है, ये आदिवासी है, ये इसकी संख्या पूरा भारत में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद दूसरा में आपका आता है भील, ये भी आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में है, ठीक है। भील दूसरा नंबर में आता है, वो तीसरा नंबर में आपका आता है संथाल। सोच सकते हैं कि संथालों की संख्या कितना है, कि भारत लेवल में जो देश लेवल में तीसरे स्थान पर आती है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या झारखंड के उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व को कैसे समझेंगे, देखिए उत्तर पूर्व को बढ़िया समझेंगे अब, ताकि जैसे पूछता है कि संथालों का निवास झारखंड में सर्वाधिक, संकेंद्रण एग्जाम में आता है कि संथालों का संकेंद्रण है, संकेंद्रण का मतलब किस क्षेत्र में ज़्यादा आया है, ये एग्जाम में आया हुआ है, ये जो आपको उत्तर पूर्व बता रहे हैं एग्जाम में आया है। प्रश्न क्या था, संथालों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस ओर है, ठीक है। तो ये आपका जैसे झारखंड का जो मैप हो जाता है, ठीक है, ये जो देखेंगे तो झारखंड का मैप में ये आपका, ठीक है, इस इलाका जो है ये आपका 6 जिला जो संथाल परगना पड़ता है, ठीक है। ये इलाका जो संथाल परगना है तो आपका ये पता है उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, ये पूरा हो गया और ये आपका क्या हो गया, पश्चिम हो गया। तो इस इलाका को उत्तर पूर्व लेंगे क्योंकि दो ध्रुव के कारण पहले उत्तर के मतलब इंडिकेट करते हैं, तो ये उत्तर आपका हो गया, ये पूरा हो गया, तो ये बीचों बीच में, इसलिए इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व बोलेंगे। तो झार ये जो उत्तर पूर्व इलाका है, यानी कि उत्तर पूर्व आप नहीं रखेंगे तो आप संथाल परगना रखेंगे, तो आपको मतलब ये समझ में आ जाएगा, क्या रखेंगे, संथाल परगना। तो संथाल परगना 6 जिला है, तो इसी को कहा जाता है उत्तर पूर्व। और मैप का और डिटेल्स आपको अगर जानकारी चाहिए तो हमारा भूगोल का जो पार्ट वन वीडियो था, भूगोल का पार्ट वन वीडियो झारखंड के मैप पर आधारित है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से उन वीडियो को देख लें, ताकि झारखंड का पूरी तरह से मैप आपका, मैप का जो कॉन्सेप्ट है वह समझ में आ जाए। तो ये आपका उत्तर पूर्व हो गया। एक बात और आपको बताते चलें कि संथाल जो है कि आपका केवल यहीं पर नहीं, उत्तर पूर्व नहीं, पूरा झारखंड में है, बट यहाँ बहुत ज़्यादा है, और झारखंड में छिटपुट मतलब हर जिले में संथाल है, ये भी ध्यान रखेंगे, लेकिन सर्वाधिक बोलेंगे तो संथाल परगना अर्थात झारखंड के उत्तर पूर्व। अब देखिए झारखंड का, झारखंड में जो 32 जनजाति है, इसके बाद इसके पहले जो आर्य लोग थे या जो आदिम जनजाति कहते हैं या प्राचीनतम जनजाति जो है, तो जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं से आके बसे हैं, जिस तरह से मुंडाओं ने राज्य निर्माण का काम शुरू किया था, उस तरह से संथाल, तो संथाल जो है सर्वाधिक मतलब सबसे बाद में आने वाला जनजाति है, जितने भी जनजाति हैं उनमें से सबसे बाद में आने वाला जनजाति आपका संथाल है। तो संथाल किस ओर से आया, हर पूछा जाता है इस तरह से, उराव किस ओर से आया, मुंडाव किस ओर से, आपको इसका जो स्थानीय झारखंड में जनजातियों का जो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था था उसमें आपको बताए थे कि मुंडा कब आया और किस ओर से आया, इसका जो समय और क्या कहते थे अनिश्चित है, लेकिन ये संथाल जो है ये आपका झारखंड में आने से पहले पश्चिम बंगाल में आए थे और पश्चिम बंगाल से झारखंड में प्रवेश किया। तो आपको उतना डिटेल्स नहीं जानना है कि संथाल जो है जैसे कि क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल में आए, उससे पहले कहां से पश्चिम बंगाल में पहुंचे, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि झारखंड में जो भी एग्ज़ाम है आपका JPSC सामने है या फिर JSSC है सचिवालय लेवल का है, JTET हो या झारखंड के जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ये सब इनसे बाहर प्रश्न आपका नहीं रह सकता है। आप कंटेंट पढ़ेंगे आपको समझ में आ रहा होगा, इससे बाहर कोई भी एग्ज़ाम बोल रहे कोई भी एग्ज़ाम हो इससे बाहर प्रश्न आपका नहीं रहेगा, ठीक है। तो बंगाल में से हम लोग यहाँ झारखंड में संथाल कहते हैं, ठीक है, झारखंड में संथाल कहते हैं, लेकिन बंगाल में से कहा जाता है सावोतर, इसे भी हम ध्यान रखेंगे, बंगाल में से कहा जाता है सावोतर। तो ये एक संक्षिप्त परिचय था संथालों के बारे में, अब उसका डिटेल्स तो ले लेंगे, सबसे पहले उनका जीवन यापन देखेंगे, संथालों का जीवन कैसा है। देखिए तो संथाल जो प्रायः क्या, प्रायः खेतिहर होते हैं और किसान होते हैं, खेतिहर का मतलब एक तरह से हो गया किसान का काम, ठीक है। इसके बाद ये हड़िया, हड़िया को कहा जाता है पोचाई, पोचाई देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब बड़े बड़े एग्जाम होते हैं तो पे हड़िया फेमस है लेकिन पोचाई फेमस नहीं है, तो याद रखेंगे
कि हड़िया को ही पोचाई कहा जाता है। अभी हड़िया क्या है या पोचाई क्या है, तो क्या होता है चावल को थोड़ा सड़ाने गलाने के बाद जो शराब बनता है, चावल से जो शराब बनता है ठीक है, उसे क्या कहते हैं हड़िया कहते हैं अर्थात पोचाई कहते हैं। आप गांव घर के जो हटिया लगता है या तो विभिन्न चौक चौराहे होते हैं वहाँ देखे होंगे, खास करके आदिवासी में संथालों की जो महिलाएँ होती है वह समाज में या तो समाज कहते हैं हटिया में क्या करते हैं उसे बेचते भी, बहुत प्रिय पेय पदार्थ है, एक तो नशीला पदार्थ भी है। तो ये आपका क्या है हड़िया है जिसको पोचाई भी कहा जाता है। और संथाल लोग जो होते हैं वो बुनाई के कार्य में काफ़ी क्या करते हैं काफ़ी मतलब कुशल है। इसके अलावा आपको बताते हैं बिरसा मुंडा के बारे में, हालांकि वो तो मुंडा है वो संथाल में नहीं, क्योंकि मुंडा एक अलग जनजाति है ठीक है। और तो बिरसा मुंडा जो थे उनके बारे में पूछा गया था कि बिरसा मुंडा जाति से क्या थे, पैसे से क्या थे, पैसे से क्या थे बिरसा मुंडा, पैसे से क्या थे। तो आपको ध्यान रखना होगा कि बिरसा मुंडा बुनकर थे ठीक है, ये एग्जाम में आया है, आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं या फिर कुछ समय तक इंतजार करें, पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा जितने भी एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। तो बिरसा मुंडा पैसे से बुनकर थे, ये भी एग्जाम में आया हुआ। तो अभी हमने यहाँ इसका जीवन आपने देखा कि कृषि करते हैं, बुनकर भी फेमस हैं, साथ में क्या करते हैं हड़िया का सेवन करते हैं। आप देखेंगे धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन आस्था विश्वास के बारे में देखेंगे तो संथालों का जो धार्मिक देवता प्रधान देवता होता है वह होता है शिंगबोंगा। आपको बता दें जितने भी जनजाति हैं, जितने भी जनजाति के प्रधान देवता होते हैं, नाम तो अलग है लेकिन उसका तात्पर्य हमेशा सूर्य से रहा है ठीक है, हमेशा सूर्य से, शिंगबोंगा का अर्थ भी सूर्य होता है। तो धार्मिक जीवन जो है प्रधान देवता में क्या देखेंगे शिंगबोंगा। आज शिंगबोंगा को ठाकुर जी भी कहा जाता है ठीक है, शिंगबोंगा को ठाकुर जी कहा जाता है। ये हुआ आपका शिंगबोंगा मतलब पहला देवता प्रधान देवता। लेकिन दूसरा प्रमुख जो है वह आपका है मरांगबुरु। तो मरांगबुरु का अर्थ होता है पहाड़ देवता, जो कि दूसरा प्रमुख देवता होता है। इसके बाद गांव का जो प्रधान देवता होता है गाँव का पूरा गाँव का एक देवता होता है, उसको लोग क्या कहते हैं जाहिर एरा कहते हैं, ये जाहिर एरा। और वहाँ पर क्या कहते हैं गाँव का ये देवता है, और जहाँ पे जाहिर भगवान का नाम है और जिस जगह में ये निवास करते हैं उसको जाहिर थान कहते हैं। आप देखेंगे अपने आसपास के क्षेत्र में क्या होता है कि महुआ का पेड़ होता है 4-5 या सखुआ का पेड़ होता है 4-5, उसको क्या करता है ईट या किसी चीज़ से उसको चारों तरफ घेर दिया जाता है। तो वहाँ ऐसा माना जाता है कि वहाँ जाहिरा है, जाहिरा भगवान का नाम है, वहाँ कौन है जाहिरा है। और पूरा जो घेरा हुआ इलाका है उसको क्या बोलेंगे, उसको जाहिर थान बोलेंगे, जो कि महुआ या अक्सर सखुआ ये दोनों पेड़ को घेरा जाता है। और जाहिरा के अलावा अन्य देवी देवता जो होता है वहाँ पर निवास करते हैं। इसके बाद गृह देवता, जैसे कि घर में जो हर किसी का घर में होता है, हर किसी का घर में होता है आपका घर मतलब क्या कहते हैं, तो जो गृह देवता होता है गृह देवता को सब कहा जाता है ओड़ाकबोंगा कहते हैं ठीक है। और धार्मिक प्रधान मतलब उस जिस तरह से हम लोगों में क्या होता है या तो समाज में पंडित पुजारी का काम करते हैं पूजा पाठ शादी विवाह में पर्व त्यौहार में, उसी तरह से संथालों में जो पूजा पाठ का काम करता है उसे लोग नायके कहते हैं, जो कि धार्मिक प्रधान होता है। इसके बाद संथालों में महिलाएं जो होती है जादू टोना में काफ़ी क्या कहते हैं टैलेंटेड कर सकते हैं, विशेषज्ञ होती है संथालों में महिलाएं। इसके बाद आपको देखेंगे संथालों में शव को देखिए अधिकतर जितने भी 32 जनजाति हैं, अगर हम 32 जनजाति की बात करें तो अधिकतर क्या होता है अधिकतर की बात कर रहे हैं अधिकतर दफनाया जाता है और जलाना बहुत कम होता है, लेकिन संथालों में दोनों होता है, दफनाया भी जाता है और जलाया भी जाता है। तो इस प्रकार से उसका परिचय आपने देखा, जीवन यापन देखा और धार्मिक जीवन भी देखा संथालों का धार्मिक जीवन। अब क्या देखेंगे उसका सामाजिक जीवन देखेंगे और उसका कला संस्कृति देखेंगे। तो सामाजिक जीवन में आप बात करेंगे जिस तरह से हम लोग वैदिक सभ्यता में क्या देखते हैं कि समाज जो होता है चार भागों में बटा होता है, जिसको पुरुष सूक्त कहा जाता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। हालांकि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो है वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया था, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेदिक काल का टाइम जो वैदिक सभ्यता जो है ना उसको दो भाग में बांटते थे ठीक है, वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व इसे हम लोग ऋग्वेदिक कहेंगे ऋग्वेदिक, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से कहेंगे उत्तर वैदिक। तो उत्तर पहले ऋग्वेदिक वाले समझेंगे, तो ऋग्वेदिक में क्या था समाज जो था वो चार भागों में बटा हुआ था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। अगर कोई पंडित का काम करता था पुजारी का मतलब पुजारी करने काम करता था तो वो ब्राह्मण की कैटेगरी में जाता था, तो या फिर कोई योद्धा होता था युद्ध करता था तो वो क्षत्रिय की कैटेगरी में जाता था। यानी काम के अनुसार से व्यक्ति को चार भागों में बांटा गया था, समाज को चार भागों में बांटा गया था। इसी तरह से हमारा संथाल जो है आपका जो है चार भागों में बांटा गया है।
एक आपका किस्कू हड़ है, एक मुरमू हड़ है, एक सोरेन हड़ है, एक मरुड़ी हड़ है। तो किस्कू हड़ को कहा जाता, किस्कू का कहा जाता है राजा, ठीक है, और मुरमू को कहा जाता है पुजारी, और सोरेन को कहा जाता है सिपाही, और मरुड़ी को कहा जाता है केशव। लेकिन यहाँ आपने देखा ऋग्वेदिक काल में जो जैसा काम करते थे उसी के अनुसार से वो मतलब कैटेगरी में जाते थे, ब्राह्मण या क्षत्रिय या शूद्र या वैश्य में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में हुआ कि जो जिसके यहाँ जन्म ले रहे थे जाति पर आधारित हो गया था, कर्म पर आधारित ना होकर, कर्म पर इसमें था लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, जाति पर आधारित हो गया। जो जिसके यहाँ जन्म लिए, जैसे कोई ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिए और वो ब्राह्मण का काम नहीं कर रहा फिर भी वो ब्राह्मण कहलाने लगे, तो ये जो आज भी यही प्रथा चल रहा है तो ये आपका उत्तर वैदिक काल में हुआ। जबकि ऋग्वेदिक काल में अगर कोई ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिए और वह एक मतलब मजदूर का काम कर रहा तो उसे शूद्र की कैटेगरी में रखा जाता था। तो आप इस तरह से मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोग हिस्ट्री जो पढ़ेंगे, अभी आपका इतिहास जो है भारत का इतिहास है उसका मॉडर्न चल रहा है, मॉडर्न मतलब आधुनिक, तो आधुनिक भारत का वीडियो आप जो है प्ले लिस्ट से देख सकते हैं, और कुछ ही दिनों में आपका क्या होगा मध्यकालीन और प्राचीन भारत का भी वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि संथालों में समाज जो है वो चार भागों में बटा था, इसको लोग वर्ग भी कह सकते हैं, वर्ण भी कह सकते हैं, तो हर्ड कहते हैं संथाल में। आप क्या देखेंगे, गोत्र देखेंगे, संथालों में गोत्र कितना है, 12 गोत्र है। आपका हांसदा है, मुरमू है, किश्कू है, हेमरम है, सोरेन है, बास्की है, बेसरा है, पोड़िया है, टूडू है, गेडुआ है, इसमें चोंडे है और मरांडी है। आपको पता था कि जो गोत्र होता है, जितने भी गोत्र है उसका कुछ ना कुछ प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है, और जो प्रतीक चिन्ह होता है उसे मारना, उसे खाना, उसे नष्ट करना पूरी तरह से मना आने निषिद्ध है। जैसे कि बात करते हैं पोड़िया का, ये पोड़िया क्या है, पोड़िया एक गोत्र है इसमें संथालों में। तो पोड़िया का जो प्रतीक चिन्ह है, जो गोत्र मतलब मानते हैं ये सब, वो है आपका कबूतर, ठीक है। पोड़िया का जो प्रतीक चिन्ह है वह क्या आपका है, कबूतर है। अब पोड़िया जो पोड़िया गोत्र के लोग जो है वह कबूतर को नहीं खा सकते हैं, कबूतर को नहीं मार सकते हैं, ये गोत्र होता है, ठीक है। इसके बाद इसका विवाह जो होता है अंतर जातीय होता है, समगोत्री विवाह पूरी तरह से वर्जित है। समगोत्री कहने का मतलब क्या है कि हांसदा हांसदा से शादी नहीं कर सकता है, अगर हांसदा लड़का है और लड़की भी हांसदा है तो वह शादी नहीं हो सकता है। हांसदा का शादी मुरमू से हो सकता है, हांसदा का शादी बास्की से हो सकता है, बेसरा से हो सकता है, या तो अन्य 12 में से किसी से हो सकता है, लेकिन हांसदा का हांसदा से शादी नहीं हो सकता है। समगोत्री पूरी तरह से वर्जित है, निषिद्ध है। और जब शादी हो जाएगा, मान लीजिए कि हांसदा का शादी, हांसदा लड़का है और लड़की मुरमू है, जब शादी हो जाएगा तो जो बच्चे होते हैं वो पिता के गोत्र में फिर नामांतरण उसका होता है। और संथालों में सबसे बड़ी विशेषता ये देखा जाता है कि बाल विवाह नहीं होता, जो कि उतना हमारा झारखंड में अभी डेवलप नहीं है, फिर भी संथालों में बाल विवाह नहीं होता, ये बहुत अच्छी बात समाज के लिए। और उसका जो बापला होता है, बापला का मतलब क्या होता है, बापला मतलब विवाह होता है, बापला का अर्थ आपका विवाह है या तो शादी, विवाह या शादी दोनों की चीज़ें, ठीक है। तो बापला जो होता है 8 प्रकार का होता है, आप देख सकते हैं उनमें से कुछ हम लिखे भी, दिपिल बापरा है, किरीम जवाई बापला है, निर्गलोक है, इतुत है, शिवा विवाह है, सांगा विवाह है। लेकिन इन सभी में जो प्रचलित है, जो एग्जाम में बार बार पूछता है, वह आपका है किरीम बापला। संथालों में जो प्रचलित विवाह है वह आपका क्या है, किरीम बापला। किरीम बापला कैसे होता है, जिस तरह से सामान्य होता है कि लड़की लड़का पक्ष से जाता है, अगुआ के माध्यम से लड़की पक्ष से जाता है, फिर दोनों में क्या होती है, बातें होती हैं, और इस तरह से अगुआ के माध्यम से जो शादी होता है, मतलब आयोजित विवाह तो सब लोग कह सकते हैं, ठीक है, अगुआ के जो माध्यम से होता है उसे लोग क्या कहते हैं, किरीम बापला कहते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे ये पौन के बारे में। तो इसमें जो विवाह होता है, जो बापला होता है, इसमें दहेज की प्रथा नहीं है संथालों में जो है, हालांकि दहेज की प्रथा है। आपको बता दें कि 32 जनजाति में 31 में दहेज की प्रथा नहीं है, ठीक है, 31 में दहेज की प्रथा नहीं है, मात्र एक जनजाति में दहेज लेता है, ठीक है। तो उसके बारे में बताएंगे कि वह कौन सी जनजाति है, जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग क्या देखेंगे, संथाल देखेंगे। तो संथाल में क्या है, दहेज नहीं लेता लड़का पक्ष जो होता है, लड़की पक्ष दहेज नहीं लेता, उल्टा लड़की को कुछ पैसा देता है, 10 रुपया। पहले के समय में तो 1 रुपया 50 पैसे दिया जाता था, प्रेजेंट के समय में 10 रुपया 21 रुपया 11 रुपया ऐसा दिया जाता है, और इसे हम लोग ये लड़का पक्ष लड़की को दिया जाता है, और इसे कहा जाता है वधू मूल्य। तो वधू मूल्य के लिए जो वर्ड जो यूज करते हैं पौन, वो जाता तो सब क्या कहते हैं संथाल में कि 11 रुपया पौन दिया गया, मतलब वधू मूल्य दिया गया, ठीक है। अब गाँव का जो प्रधान होता है,
जो गांव का प्रधान होता है उसे मांझी कहा जाता है। यही गांव का एक तरह से क्या कहते हैं, न्यायिक प्रशासनिक न्यायिक व्यक्ति होता है जो फैसला उसला करता है। तो गांव का प्रधान जो होता है वह मांझी होता है। इसके बाद देखेंगे राजमहल की पहाड़ी, जो आपको पहले हम बता चुके हैं ये साहिबगंज में है। राजमहल की जो पहाड़ी है वो आपका कहाँ पे है, साहिबगंज में। और दामिनी को उस पहाड़ी में पहाड़ी को ही कहा जाता है दामिनी को। और आपको बता दें दामिनी को जो है राजमहल में यहाँ संथालों का निवास है। तो ये ऐसा भी प्रश्न आता है कि दामिनी को में किसका निवास है, तो दामिनी को में संथालों का निवास है, ठीक है। और गांव को संथाल भाषा में बोला जाता है आतो, ठीक है। गांव में क्या कहा जाता है, यातो कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे बिटला। बिटला क्या होता है, बिटला क्या होता है, यह संथालों में सर्वाधिक सबसे ज्यादा कठोर सजा है। संथालों में क्या है, सबसे ज्यादा कठोर सजा है। जैसे कि समाज में अपराध का तो सजा होता ही है, लेकिन ये सबसे ज्यादा मतलब कठोर सजा है। और इसमें से पूछा गया था झारखंड के एग्जाम में कि बिटला जो है क्या है, बिटला क्या है, तो बिटला क्या है, एक सामाजिक बहिष्कार है। और ये सजा कब दिया जाता है, जब ओवन संबंध निश्चित रूप से घोषित किया जाता है। जैसे कि कोई लड़का है कोई लड़की है, और लड़की क्या कहने का मतलब वो गर्भवती है और उसका लड़का का पता नहीं है, तो ये ऐसा जब कांड समाज में होता है तो उसके लिए क्या किया जाता है, बिटला सजा दिया जाता है। इस बिटला के माध्यम से लड़की का घर जो है मतलब कुर्की कर लिया जाता है एक तरह से। लड़की के जो घर होता है उसका उसका घर में जो भी धन संपत्ति होती है, धान चावल या गाय बैल जो भी होता है, उसे लूट लिया जाता है समाज के लोगों द्वारा। और साथ में चूल्हा वूल्हा फोड़ दिया जाता है। तो चूल्हा जो फोड़ा जाता है, संथालों का समाज में चूल्हा फोड़ना कहने का मतलब है बहुत बड़ा अपमान है किसी के घर में। तो इस प्रकार का सजा जो है बिटला है, एक कठोर सजा है। हालांकि तो आपने क्या देखा, बधुमूल्य पौन और गांव का जो प्रधान होता है उसे मांझी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, संथाल का जो शासन व्यवस्था है वह डिटेल्स नहीं है, सिर्फ एक या दो है। संथाल का शासन व्यवस्था जो है उसका सेपरेट वीडियो बना हुआ है, डिटेल्स सेपरेट वीडियो है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर प्लेलिस्ट से उस वीडियो को आप देख लें, ठीक है। अब क्या देखेंगे हम लोग, प्रमुख त्यौहार के बारे में देखेंगे। तो संथालों का जो प्रमुख त्यौहार है उसमें आपका बा पर्व है, जिसे बा भी कहा जाता है, सरहुल है, कर्मा है, इसके बाद आपका एरोक है। आपको बता दें कि एरोक जो है वह एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। एरोक क्या है, तो यह बीज बोने का त्यौहार है, बीज बोने वाला त्यौहार है एरोक। ये एग्जाम में आया है एरोक, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा बन्ना है, हरियाड़ है, जापाड़ है, सोहरा है, ये सब क्या है, त्यौहार है। और संथालों का त्यौहार की जो शुरुआत होती है वह आषाढ़ माह से होती है, ठीक है। संथालों का जो त्यौहार की शुरुआत होती है आषाढ़ माह से होती है। साथ में हम बात करेंगे बानवा संशोधन का। बानवा संशोधन क्या है, जैसे कि बानवियावा संशोधन क्या है, 92 आप देखेंगे, 92 अमेंडमेंट, 92 अमेंडमेंट मतलब संशोधन। इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि हमारा जो आठवां अनुसूची है, ठीक है, हम पॉलिटी की बात करें, संविधान की बात करते हैं, तो आठवां अनुसूची में क्या है, आठवां अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। तो जिस समय संविधान बना था 26 नवंबर 1949, जबकि लागू आपका 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ, और लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। उस समय संविधान में मात्र 14 भाषा जो था अधिसूचित था। इसके बाद हम केवल संथाल को देखेंगे, संथाल जो है 22 भाषाओं में, अभी प्रेजेंट में आपका संविधान में 22 भाषा है, ठीक है। तो 22 भाषा में संथाल जो है, संथालों का जो भाषा है वो आपका संथाली है। और संथाली को 2003 में 92 अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान देंगे। और लिपि जो इसे लिखा जाता है, संथाल को जो लिखने का लिपि है, तो लिपि जो उसका है ऑलचिकी है, ठीक है। संथालों का जो लिपि है, ये भी फिक्स क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, संथालों का लिपि क्या है, ऑलचिकी है। इसके बाद मांझी थान, मांझी थान क्या होता है, मांझी थान या गांव के बीच में होता है जहाँ पे संथाल लोग पूजा पाठ करते हैं, और अक्सर पंचायत भी वहीं बैठता है। और संथालों में भी आप देखे थे गांव का जो प्रधान मांझी होता है उसका घर भी मांझी थान के आसपास होता है। हालांकि इसका जो डिटेल्स वाला वीडियो है वो आप ज़रूर देखें। अब देखेंगे मांझी थान में जो देवता रहता है उस देवता को बोंगा कहा जाता है। तो मांझी थान में जो देवता रहता है उस देवता को क्या कहते हैं, मांझी हड़ाम बोंगा कहा जाता है, ठीक है, मांझी हड़ाम बोंगा। इसके बाद अभी जो गोदना के बारे में पढ़ेंगे लोग, गोदना, तो गोदना को अभी प्रचलित वर्ड के लिए टेटू यूज किया जाता है,
टेटू बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है टेटू। तो ये जो गोदना जो है यह बहुत ही मतलब फेमस और प्रसिद्ध है संथालों में, जो कि अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, लेकिन फिर भी आप ख़त्म की ओर पूरी तरह से नहीं कह सकते। और पुरुष के जो बाएं हाथ में सिक्का का चिन्ह होता है, आप देखेंगे जो संथाल में जो युवक होता है यहाँ पे, यहाँ क्या होता है, बिल्कुल यहीं पे होता है। आप देख सकते हैं किसी का जो अगर दोस्त हो या फिर आप अगर देख रहे हैं तो, अगर आप संथाल में हैं तो ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ जो चिन्ह होता है वह सिक्का का चिन्ह होता है। और सिक्का का चिन्ह का विशेष महत्व है, महत्व ऐसा है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी भी संथाल युवक के हाथ में सिक्का का चिन्ह नहीं हो तो उसका शादी सेट नहीं होता है, कहने का मतलब शादी ही नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम लोग आज क्या देखें, संथाल का जो भी डिटेल्स था, जो भी एग्ज़ाम में आपका जेपीएससी जेएससी लेवल का जो भी एग्ज़ाम है, झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम है, इससे बाहर नहीं होगा। बस इसका एक शासन व्यवस्था यहाँ हल्का सा छूटा है, डिटेल्स नहीं है, उसका अलग वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और जनजाति है, उराव है, मुंडा है, हो है, उसके बारे में देखेंगे। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।